PPTs. Rocky Deepali, Chandrika. Everything is all right. Sab kuch sahi chal raha hai. Okay. Now we are further moving towards taking the questions related to my last session. जो पिछले सैटरडे को क्लास हुई थी उससे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, whether you have revised it or not. GT, माइक में कोई प्रॉब्लम है? एनीथिंग? अब ठीक है. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंडिकेट करना. ओके, नाउ टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. The only scientist in the world who has won the Nobel Prize in Physics twice. Nobel Prize in Physics twice. Chandrika, Frederick, no. He was related to chemistry. John, yes, John Bardeen. The right answer is John Bardeen. Kiske liye mila tha? For which fields he has got this Nobel Prize? Inventing transistor. And theory of superconductivity. Now, second question: who has won Nobel Prize for discovery of electron? Electron, kisne discover kiya tha? Electron. J.J. Thomson. Yes, all right. Alfred Nobel developed which explosive material? कौन सा एक्सप्लोसिव मटेरियल अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया था? डायनामाइट. ऑल राइट. नाउ नोबल प्राइज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? कितने फील्ड्स में? हाउ मेनी फील्ड्स? कितने फील्ड्स में नोबल प्राइज दिया जाता है? सिक्स फील्ड्स. एंड विच वॉज एडेड इन 1968? कौन सा फील्ड एड किया गया था? In the memory of Alfred Nobel. Economic sciences. Yes. The Nobel, which Nobel Prize awarded in Oslo? Oslo mein kaun sa diya jata hai? Norway. Peace Prize. All right. Very good. National anthem is written by whom? Jan Gan Mana. Kisne likha hai? Rabindranath Tagore. Our Constituent Assembly adopted national anthem on which date? On which date? Kis date ko national anthem ko Constituent Assembly dwara adopt kiya gaya tha? Just 2 days before First Republic Day of India. 24 January 1950. Okay. If you relate with the Republic Day, तो याद करने में आसानी होगी. 1911 में first time संघ किया गया था चंद्रका. Okay, that is different. ये कांग्रेस सेशन कोलकाता में जो हुआ था first time, उसमें जनगण मना को first time सिंह किया गया था. Okay, उस समय पर. लेकिन Constituent Assembly ने as ऑफिशियल नेशनल एंथम इट वॉज एडॉप्टेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950. 24 जनवरी 1950 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली इसको एडॉप्ट किया. ऑलराइट, नाउ वन और टू क्वेश्चन. विच अवार्ड वॉज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया था? And 1915, just 2 years after the Nobel Prize,
1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हाईएस्ट अवार्ड दिया था। गुरुजी, पुनीता गुरुजी, ये तो नहीं बताया गया था। नाइटहुड, यस, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है वैसे ही वहां पर हाईएस्ट अवार्ड नाइटहुड, ठीक है, उस समय पर नाइटहुड दिया गया था इनको, जो इन्होंने जलियांवाला बाग मैस्कर के प्रोटेस्ट में, के अगेंस्ट में इन्होंने मतलब उसको रिटर्न कर दिया था। ओके, नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द क्लास, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। ओके, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नो डाउट, ऑल राइट। देखो आज जो भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड या इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ लास्ट इयर्स में पूछे गए, आई थिंक यू हैव सम बेसिक आइडियाज, आपको लगभग बेसिक आइडियाज हो गया होगा कि नॉट ओनली 2020 नोबेल प्राइज आर इम्पोर्टेंट बट अर्लियर नोबेल प्राइज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मीन्स दोनों का इक्वल वेटेज है। अगर हम ओल्ड पेपर्स में जाकर के देखें तो केवल ऐसा ही नहीं है कि रिसेंट नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन लिटिल बिट हायर क्वेश्चन फ्रॉम ओल्डर नोबेल प्राइज इन कंपेरिजन टू लेटेस्ट नोबेल प्राइज, ठीक है। 2020 का जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट अदर नोबेल प्राइज भी है, जो इम्पोर्टेंट कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनको दिए गए हैं, और आई थिंक इस स्लाइड्स में जो भी लेक्चर है इसमें सारे कवर हो जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट नोबेल लूरिएट्स हैं, इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज। ओके, सभी का हम कवर कर लें। नाउ दिस स्लाइड वॉज डन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, एवरी वन नो दैट, बॉर्न इन कोलकाता, यस, अर्ली एज में मदर की डेथ हो गई, फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, ओके, रिसीव नोबेल प्राइज 1913 में फॉर गीतांजलि, ओके, ऑलरेडी डन रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, Who had been selected for the Tagore Award for Cultural Harmony in 2013? देखो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है related to 2013, okay? ए किरण बेदी, लग रहा है किरण बेदी को आप ज्यादा क्लोज से जानते हो, आई थिंक सो, आदर्श डी। देखो ड्यू टू अचीवमेंट्स, ड्यू टू कल्चरल हार्मनी, ड्यू टू लार्ज कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड वॉज गिवन टू रविशंकर। जो ऑल ओवर वर्ल्ड काफी पॉपुलर है, पॉपुलर थे, ओके, फॉर प्रोपोनेंट ऑफ सितार, सितार बजाते थे ये, है ना, तो काफी एक्सीलेंसी इन्होंने अचीव की, फर्स्ट टाइम इनको अवार्ड दिया गया था 2012 में, 2013, ओके, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया ये अवार्ड, फिर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिन्यूसली फॉर थ्री इयर्स 2014, 15 और 16 के लिए एक साथ रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मतलब अनाउंस किया, फरवरी 2019 में दिल्ली में मतलब ये सेरेमनी कमेमोरेट हो रही थी, तो उस समय पर 3 साल के लिए कंटिन्यूअस लोगों को दिया गया। 2013 में हालांकि इसका ज्यादा रिलीवेंट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बस ऐसे ही है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका आंसर सी है, जुबिन मेहता, उस समय पर ये काफी कंट्रोवर्सी में थे, स्पेशली इनका कंसल्ट रखा गया था कश्मीर में, ठीक है, तो सेपरेटिस्ट एज वेल एज जनरल सोसाइटी दोनों ही लोग थोड़ा सा अंगेज्ड में थे फॉर दिस कंसर्ट,
कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है कश्मीर का या कश्मीर का जो इशू है वो इससे थोड़ा इफेक्टेड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस इमेज को कहीं ना कहीं रिप्लेस करना चाह रही है, इस वजह से ये लोग कंसर्ट नहीं होने देना चाहते थे कि इस कंसर्ट का मतलब है थोड़ा सा पीस या नॉर्मलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के ओपिनियन में जाएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि कश्मीर में हालत नॉर्मल है या कोई भी ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं हो रहा है या पीसफुल है, तो इस कंसर्ट को नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए बहुत ज्यादा उस समय पर कंट्रोवर्सी में था। ठीक है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के डायरेक्टर हैं टोकन एंटर। ओके, सो ये काफी पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड, जुबिन मेहता। नाउ जस्ट टेल मी हु हैड बीन सेलेक्टेड। हमने 2012 किया 13, ओके नाउ 16, जो लास्ट एवर अवार्ड वाज अनाउंस्ड। ओके, हु हैड बीन सेलेक्टेड फॉर एवर अवार्ड कल्चरल हार्मोन 2000? रामवंजी सुतार, कोई बता सकता है कि ये किस फील्ड में महारथी है, मतलब किस फील्ड में इनको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है या कौन सा इनका ग्रेट अचीवमेंट है, क्या करते हैं? रामवंजी सुतार, विशाल, आदर्श, चंद्रिका, दीपाली, कोई भी? अभिषेक कह रहा है स्कल्पचर और आदर्श कह रहा है नो। आदर्श अपना आंसर बताइए, देखिए दूसरे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके, पुनीता स्कल्पचर, यस इट इज ऑल राइट। ओके ओके, आदर्श ने बोला नहीं आ रहा है, ऑल राइट। सो स्कल्पचर स्पेशली यहां पर रामवंजी सुतार को आप देखोगे, ये फाइनल टचिंग दे रहे हैं। ओके, फर्निशिंग ऑफ सरदार पटेल स्टैच्यू, द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैच्यू। कितनी हाइट है इसकी? 183 और 182? ओके, 180 के आसपास, ये भी आंसर सही है आदर्श, नो प्रॉब्लम एट ऑल। On the bank of which river it is established? किस नदी के किनारे पर इसको स्थापित किया गया है? नर्मदा रिवर, वेयर इन गुजरात? ओके, तो इनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन स्पेशली इन फील्ड ऑफ स्कल्पचर, ग्रेट स्कल्पचर, इनको नोबल प्राइज, इनको टैगोर अवार्ड दिया गया था। ओके, टैगोर अवार्ड स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है जो कल्चरल हार्मोनी प्रमोट करते हैं, जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल हार्मोनी स्पेशली इन ऑड सर्कमस्टेंसेस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैच्यू? कौन सा वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है? फर्स्ट तो हमारे यहाँ हो गया गुजरात में, सेकंड किस कंट्री में एस्टेब्लिश है, स्थापित है और क्या नाम है? चाइना। आदर्श ऑल राइट, सही आंसर है, लेकिन नाम क्या है स्टैच्यू का? बुद्धा जी का स्टैच्यू है, यस गुड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आयुसी उसका हाइट बहुत कम है। ओके, 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद में आता है स्प्रिंग टेंपल ऑफ बुद्धा, 128 मीटर। ओके, सो दो याद कर लो, इतना ही बहुत है, और सरदार पटेल जी की लगभग ट्वाइस हाइट है इन कंपैरिजन टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन यूएसए। टैगोर अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं,
फ्यूचर में कभी भी जब भी टैगोर अवार्ड का न्यूज मिलता है रिगार्डिंग 2017 या कुछ और सालों के लिए, जैसे मानो 2018 में, 2014, 15 और 16 तीनों साल के लिए अवार्ड दिए गए थे, ऐसे ही 2020 20 में तो अब शायद नहीं हो पाएगा, तो 2021 में या 22 में फिर से लगातार कई साल के लिए टैगोर अवार्ड दिए जाएंगे. सो एट द टाइम यू हैव टू फोकस. ओके, सो दिस इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव. नाउ लिटिल बिट नो अबाउट द टैगोर अवार्ड. 2011 में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया टैगोर अवार्ड को? बिकॉज इट वॉज 150th, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी रविंद्रनाथ टैगोर, हु वॉज बोर्न इन 1861. 1861 में जिनका जन्म हुआ था उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर टैगोर अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रमोट कल्चर हार्मनी स्पेशली इन एक्सट्रीम सिचुएशन. अच्छा, यस, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? किसी का कोई डाउट यहां तक, अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है? अब से व्हाई दिस अवार्ड इज इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश पीस इन द सोसाइटी, टू मेंटेन कल्चरल हार्मनी. बहुत सारी चीजें धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ धीरे धीरे पीछे चलती चली जा रही हैं. ठीक है, उन चीजों को या उन लोगों को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, कल्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इस अवार्ड को दिया जाता है. यस, स्टैटिक क्वेश्चन बैंकिंग में रेशियो काफी कम रहता है. ठीक है, एजे, बैंकिंग में स्टैटिक क्वेश्चन का रेशियो थोड़ा कम रहता है, काफी कम रहता है, और जो करंट क्वेश्चन है उनका वेटेज ज्यादा होता है. सो आपको करंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्टैटिक पोर्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है, और कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिन पर करंट में ज्यादा फोकस करता है. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे टॉपिक के साथ में क्लियर हो जाएंगी, और धीरे धीरे आप भी मतलब ओल्ड पेपर्स वगैरह को देखोगे या गो थ्रू करोगे उनसे, तो आपको भी एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर करंट ज्यादा वेटेज है, कहाँ पर स्टैटिक पोर्शन ज्यादा वेटेज है. ठीक है, डिसाइडेड बाय सिग्निफिकेंट ज्यूरी मेंबर्स. ज्यूरी मेंबर्स इसके काफी इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज होते हैं, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन, या कुछ अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. श्रेया मुखर्जी, आई एम न्यू टू दिस बैच, विल यू प्लीज गाइड हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग? यस, डेफिनेटली श्रेया, आई विल गाइड रिगार्डिंग एसएससी, रिगार्डिंग बैंकिंग. ओके, टॉपिक के साथ में हम पर्टिकुलर फोकस करते चलेंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ कम्स टू चंद्रशेखर वेंकट रमन, बिकेम इंडियाज फर्स्ट फिजिसिस्ट टू विन नोबेल प्राइज इन 1930. वर्क ऑन, इनका क्या फील्ड था? व्हाट विल बी आंसर? विशाल, जीडी, गुड, एनीबॉडी, वंस, श्रेया, ओके, एवरीबॉडी नो, आई थिंक सभी लोग ज्यादातर जानते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, आंसर विल बी लाइट स्कैटरिंग. ओके,
इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया इन 1913। ओके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ चीजों को हम बड़े लाइटली डिस्कस करेंगे, कुछ चीजों को थोड़ा सा एसोसिएट करेंगे स्टोरी के साथ में, या थोड़ा सा लिटिल बिट डेप्थ में जाएंगे। नाउ रमन इफेक्ट, सिंपली गो थ्रू इट। इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट जब किसी भी सबस्ट्रेट पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, लाइट जो है स्कैटर करने लगती है। ओके, इसके एप्लीकेशन क्या है, व्हाई इज कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, ब्लू क्यों होता है सनसेट के समय, रेड कलर क्यों होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक यू शुड नो ऑल द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। जब भी सन की सोलर लाइट आ रही है, ओके, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं और ये स्कैटर करती है। तो सबसे ज्यादा देखो विबग्योर में वायलेट लाइट स्कैटर करती है, लेकिन आई उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद में आपकी ब्लू लाइट जो है स्कैटर करती है, ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है आईज जो है, ठीक है, सबसे कम रेड लाइट स्कैटर करती है। ओके, यस, इंडिगो स्कैटर करती है, ब्लू लाइट स्कैटर करती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेड कलर तक विबग्योर हम चले जाते हैं। इसलिए मतलब जो कलर है स्काई का वो थोड़ा सा ब्लू दिखाई देता है, दैट इज एप्लीकेशन। सो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मदर टेरेसा वॉज फर्स्ट वुमेन विद क्लोज इंडियन साइड, क्लोज इंडियन टाइज, हु गॉट नोबेल प्राइज एंड 1979 वॉज बोर्न इन, किस कंट्री में बोर्न हुई थी, विशाल, ओके, गुड, श्रेया, गुड, यस, आंसर इज ए, मैसेडोनिया, आदर्स, नो नो, बी नहीं है, ठीक है। इट वॉज पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर अर्लियर, साइड कंट्रीज बुल्गेरिया जैसे, ओके, मेडिटेरियन सी के पास में ही है मैसेडोनिया। ओके, मदर टेरेसा वॉज फर्स्ट वुमेन विद क्लोज इंडियन ट्राइज गॉट अवार्ड एंड 1979 नोबेल पीस प्राइज मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशली दया निस्वार्थ की भावना से काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन मैसेडोनिया, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि इनको जो अपनी लाइफ है वो डिवोट कर रही है टूवर्ड सोशल सर्विसेस, ठीक। 18 ईयर्स की एज में इनकी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, ठीक है, 18 ईयर्स की एज में ये जो है आयरलैंड चली गई, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वहां पर इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली और क्रिश्चियन मिशनरीज में ये 1929 में इंडिया आई, ठीक है। फिर इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पर इंडिया में आने के बाद में, यहाँ के पुअर लोगों से काफी ज्यादा इफेक्टेड हुई। 1943 में एक बड़ी फैमीन अकर हुई इंडिया में, बहुत सारे लोग भूखमरी से मारे गए। ओके, ये भी एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट थी। 1946 में बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम रियॉट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम रियॉट अकर हुए, ये भी काफी सैड मूवमेंट था, ठीक है। इन सारी चीजों ने काफी मतलब झकझोर दिया मदर टेरेसा को। 1948 में ये पटना चली गई जहां से इन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग ली। उसके बाद में फिर ये कोलकाता रिटर्न हो गई और कोलकाता में फिर कंप्लीट लाइफ इन्होंने डिवोट की, ठीक है। इनका जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज किया गया बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड और इनको भारत रत्न, ठीक, इवन यूएसए से भी इनको अवार्ड मिल चुका है, कई सारी कंट्रीज से इनको अवार्ड मिल चुका है, और नोबेल प्राइज तो 1979 में मिला ही इनको। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया नोबेल पीस प्राइज, सभी लोग जानते होंगे, काफी रिसेंट है,
कैलाश सत्यार्थी, ओके। नाउ रैपिडली कुछ लोगों को और देख लेते हैं जो इंडिया में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। स्पेशली इन्होंने स्टार्स जो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस अर्लियर जनरली रेडिस कलर होता है या वो बर्न हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सन भी एक स्टार है, इसमें क्या चलता है, न्यूक्लियर फीजन चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नॉट फीसन। ओके, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हीलियम मिलकर बनाते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन धीरे धीरे फिनिश होने लगता है तो ये एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार डेड स्टार हो जाता है। सो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक साइंसेज में दो लोगों को मिला है अभी तक, पुनीता, नो डाउट। एनीवन एल्स, शिवा, राखी, पुनीता, विशाल, जुनैद, नो डाउट ओके ओके। हाँ अमर सेन को दिया गया था नोबेल प्राइज 1998 में। ठीक है, फॉर द फील्ड ऑफ स्पेशली वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। मींस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, जस्ट अ वेलफेयर स्टेट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, इनकी जो ज्यादातर मैक्सिमम थ्योरीज थी वो इस पर बेस्ड थी। अभिजीत बैनर्जी 2019, ओके विशाल। इज अभिजीत बैनर्जी इंडियन? क्या इनकी सिटीजनशिप इंडिया की है विशाल? इतने सारे नाम याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पिक्चर भी ऐड किया गया है, थोड़ा सा स्टोरी या उनका फील्ड या कंट्रीब्यूशन। इनके बारे में थोड़ा सा क्लोज से जानोगे तो फिर धीरे धीरे कंफ्यूजन कम हो जाएगा। आई थिंक अगर आप ज्यादातर लोगों को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन जो है वो लॉजिकल है। ठीक है ये, लेकिन कन्फ्यूजन आपकी रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। आप थोड़ा सा निमोनिक्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी पर्सन के नाम को उसके फील्ड के साथ में नोबेल प्राइज से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू रिड्यूस द कंफ्यूजन। ये पीडीएफ जीआरपी में है, ये पीपीटीज के फॉर्म में है। थोड़ा सा सिस्टम का अपना एक प्रोसीजर है, कैसे कैच करता है, ग्रैब करता है, आई डोंट नो, लेकिन ये एक्चुअलिटी पीपीटी में है। ओके चंद्रिका, क्या आपको इसको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वर्ड वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ रही है? एजे, नो सर, राखी, नो, चंद्रिका कह रही है यस, फिर लिखा नहीं, मतलब ऐसा कुछ है वर्ड या इमेज या कुछ भी आपको दिखाई ना दे रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो? ऑल क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर्स ऑल क्लियर। वेंकट रामकृष्णन रिसीव 2009 में एक इनको अवार्ड मिला फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ रिबोजोम। रिबोजोम के फंक्शनिंग के लिए दैट इज स्पेशली वाइटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज रिबोजोम विच इंक्लूड प्रोटीन एंड रिबो न्यूक्लियस एसिड। ओके, इट इज वाइटल फॉर फंक्शनिंग।
कोई भी सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, रिबोसोम की इसमें अहम भूमिका रहती है। तो इसलिए इनको मतलब उसके फंक्शनिंग को क्लियर करने के लिए या रिबोसोम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अवार्ड दिया गया था। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई एंड कैलस सत्यार्थी वर जॉइंटली प्रेजेंटेड विद विच अवार्ड। ये 2016 में पूछा गया था, 2014 में इनको अवार्ड दिया गया था। I think everybody know this. Answer will be Peace Prize. Founder of Bachpan Bachao Andolan, Kailas Satyarthi से related ही ये question है। Yes, yes, Vishal. Sir, ये Abhijit Banerjee फिर Indian नहीं है क्या? अभी यार अभिजीत बैनर्जी पर भी आएंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। ये अभी सिटीजनशिप फिलहाल में इनकी यूएसए की है। तो सर इंडियन मतलब जो इकोनॉमिक्स में इंडिया में नोबेल प्राइज मिला वो वन ही है, एक ही है बस। टिपिकली अगर हम इंडियन सिटीजन की बात करें, यस इंडियन एक है अमर सेन। अगर हम बात करें इंडियन ओरिजिन पर्सन, ठीक है, जो इंडिया में पैदा हुए या जिनके फादर ग्रैंडफादर इंडिया में रहते हैं या रहते थे, ठीक है, तो ऐसे मतलब अभिजीत बनर्जी भी कुछ और भी लोग हैं जिनको मतलब आउटसाइडर, ज्यादातर लोग जो है यूएसए वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी जो एक्चुअल सिटीजनशिप है वो यूएसए की सिटीजनशिप इन्होंने रिसीव कर रहे। इनको ओसीआई कार्ड मिला हुआ है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। पीआईओ कार्ड होता है, ओसीआई कार्ड होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले ये डिफरेंट कार्ड होते थे, बाद में पीआईओ और ओसीआई 2015 में अमेंडमेंट में ये मर्ज कर दिए गए। तो अभी ज्यादातर लोगों को ओसीआई कार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। इससे ओसीआई कार्ड से थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल जाता है, जैसे मल्टीपल वीजा एंट्री फ्री मिल जाता है, इनकी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, इनके बच्चों को आईआईटी या बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईएम वगैरह में एडमिशन मिल जाता है, या इनके इन्वेस्टमेंट को स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि फॉरनर्स के इन्वेस्टमेंट को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके लिए इनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए कार्ड देती है ताकि ये रिटर्न में बहुत सारा डॉलर देते हैं जो हमारे फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करता है। फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, यस आंसर विल बी कैलास सत्यार्थी। बहुत सारे चाइल्ड को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज में, फॉर्म में, फैक्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज जैसे बैंगल फैक्ट्री हो गई, चूड़ियां जो बनाती है, ओके, ये कुछ ज्यादा सुटेबल होती है चाइल्ड लेबर्स के लिए, क्योंकि चाइल्ड को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमम वेज पर रखा जा सकता है, कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए फोर्स किया जा सकता है वर्क करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल चाइल्ड कन्वेंशन में भी बहुत सारे आइडियाज जो कैलास सत्यार्थी ने दिए उनको इन्वॉल्व किया गया। कैलास सत्यार्थी अलोंग विथ मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये भी चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के लिए कैंपेन कर रही थी, थोड़ा सा गोली वगैरह लग जाती है या कुछ जो इनके आंगेश में रहते हैं लोग, तो इनको सूट करना चाहते हैं, तो एक सिंपैथी के रूप में इनको नोबेल प्राइज मिल जाता है, बाकी बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है, ओके, बट स्टिल जहां पर चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट प्रमोट करने की बात है, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात है, या चाइल्ड मूवमेंट्स को लीड करने की बात है, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी कुछ योगदान रहा है इनका, ओके। चिल्ड्रन, यंग पीपल एंड फॉर राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली एजुकेशन, एजुकेशन दी जाए मैक्सिमम चिल्ड्रंस को, ये भी कैलास सत्यार्थी का काफी काफी योगदान रहा है इसमें भी, कंट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के कौन कौन से राइट होते हैं, किस तरह के प्रोटेक्शन मिलने चाहिए, ठीक है। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन,
इसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है आप लोगों को, एक्चुअली जो शायद विशाल ने क्वेश्चन पूछा था उस समय ही एक्सप्लेन हो चुका था. Who of the following Nobel laureates of Indian origin but subsequently non-citizen of India? Answer is Abhijit Banerjee. Yes, Vishal, I think so. शायद C is one of the youngest. ये थोड़ा सा आप थोड़ा सर्च कर लेना. लेकिन मुझे भी लगता है कि इतना यंग एज में शायद किसी को अभी तक नहीं मिला है नोबेल प्राइज, जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है या जितने भी लोग यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, तो सभी की एज जो है वो मैक्सिमम मोर देन 50 इयर्स ही है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है. लेकिन मलाला यूसुफजई को काफी यंग एज में नोबेल प्राइज मिल गया है. मुझे भी लगता है कि शायद वो यंगेस्ट होगी, बट यू कैन गो थ्रू दैट. मीन्स अभी तक मेरी नॉलेज में मलाला यूसुफजई से यंगेस्ट कोई भी नहीं आया रिगार्डिंग नोबेल प्राइज. अभिजीत विनायक बैनर्जी बिकेम 10th इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर इकोनॉमिक्स स्पेशली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टूवर्ड्स एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी. ग्लोबल पॉवर्टी को, पुअर पीपल्स को इकोनॉमी का कैसे बेनिफिट हो, इसके लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनको नोबेल प्राइज दिया गया. नाउ अभी तक इंडिया वाला फिनिश हो गया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 2020 नोबेल प्राइज. आदर्श जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत जाइए, ठीक है. नोबेल प्राइज में जितना इंडिया का यहां पर डिस्कस कर लिया है या 2020, क्योंकि और भी बहुत सारा आपको पढ़ना होता है, अगर इसी पर रिसर्च करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी. तो इतना ही पढ़ दो, इतना ही काफी मतलब आपके लिए एडिक्वेट है, ठीक है. अदर्स आपको और इनसे एक्स्ट्रा मतलब और एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू नोबेल प्राइज तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है. अगर एक्सट्रीम कंडीशन में 1-2% में बाहर भी जाता है तो फिर मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, 2 लेक्चर करीब नोबेल प्राइज या इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस वगैरह से ही रिलेटेड हो जाएगा. तो इससे ज्यादा और आपको टाइम डिवोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. नाउ कंसिडर दिस क्वेश्चन, ये आस्क पूछा गया है 2017 में, क्योंकि 2016 में नोबेल प्राइज मेडिसिन से मेडिसिन फील्ड में किसको दिया गया था. ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको एक रेफरेंस देता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हो, 2020 कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है. 2017 में 2016 का नोबेल अवार्ड स्पेशली इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में पूछा गया है, तो इसको इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो. बट एक रेफरेंस ले सकते हो कि 2017 में 16 का क्वेश्चन मेडिसिन फील्ड में पूछा गया था, 2020 में मेडिसिन फील्ड में किसको मिला है, ठीक है. मेडिसिन, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉचन और चार्ल्स एम प्राइस, ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है. तीनों ने शेयर किया है इन फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. याद करने में एजे का क्वेश्चन था, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एजे आप क्या कर सकते हो. में ये तीनों को मिला है चंद्र का मेडिसिन फील्ड में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में ये तीनों को मिला है 2020 में, ठीक है. हम 2020 का ही डिस्कस कर रहे हैं चंद्र का. तो आप किस तरह से याद कर सकते हो, आप एसोसिएट कर सकते हो एंड एक्रोबैट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. जस्ट सपोज हियर, जो भी आपकी मेमोरी में पहले से ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसी के फॉर्मेट में आप एक एक्रोबैट फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो. देखो राइस, यू नो, खाने वाला चावल, ओके. हाफ टन
हॉट टर्न को आप क्या कर सकते हो, हाफ टर्न लिख सकते हो, अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज करना, एंड हेपेटाइटिस सी वायरस. तो हमने इसको एसोसिएट कर दिया इन तीनों नाम से. कैसे, अब एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं. हेपेटाइटिस सी वायरस, सपोज हेपेटाइटिस सी वायरस अल्टर हाफ टर्न राइस. ठीक है, हाफ टर्न राइस को अल्टर कर दिया है इस हेपेटाइटिस सी वायरस ने. सो एसोसिएट, अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी रिलेटेड टू मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड है. हेपेटाइटिस सी एक मेजर प्रॉब्लम है ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए या कुछ अदर डेवलप्ड कंट्रीज, जिनमें हेपेटाइटिस सी की कारण, हेपेटाइटिस सी के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है. ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड बी ऑलरेडी काफी एडवांस इनकी रिसर्च हो चुकी है. हेपेटाइटिस सी में अभी तक प्रॉब्लम थी कि इमीडिएट इस वायरस का पता नहीं लगता था. हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे हम ब्लड टेस्टिंग करते हैं, तो ब्लड टेस्टिंग में अभी तक काफी ज्यादा टाइमिंग लगता था हेपेटाइटिस सी वायरस को रिकॉग्नाइज करने में. ये जनरली एजे आपका एसोसिएशन हुआ, आप इस तरह से मतलब कर सकते हो कि आपको याद रहेगा हेपेटाइटिस सी वायरस अल्टर हाफ टर्न राइस, मतलब आधे टर्न राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस ने खराब कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से माइकल हाफ टर्न, इवन आधा नाम भी याद रहेगा आपको हाफ टर्न, तो आप मतलब उस समय पर एटलीस्ट उसको आंसर को टिक तो कर ही सकते हैं. यस और नो? ठीक है, आप देखोगे कि अल्टर नाम आ रहा है, भले ही हार्वे आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अल्टर आपको दिखा तो आप समझ जाओगे कि यही ऑप्शन होगा. ठीक है, अगर आपको पूरा नाम याद रहता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रहता है तो एटलीस्ट रिकॉग्निशन, आपको इलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, आप ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हो इजीली. और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बैंकिंग या एसएससी में नहीं दिए जाते हैं, डायरेक्ट सिंपल ऑप्शंस आते हैं, उसमें से इलिमिनेट करना काफी आसान होता है अगर थोड़ा सा नॉलेज है उसके बारे में. ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है लीवर के फंक्शंस को इफेक्ट करता है. मैक्सिमम लीवर का काम ब्लड फिल्ट्रेशन या मैक्सिमम डाइजेशन सिस्टम जो होता है, कहीं ना कहीं वो लीवर पे डिपेंडेंट होता है. ठीक, तो ये वायरस इसकी फंक्शनिंग को बैडली डैमेज करता है, और जब डाइजेशन या पूरा सिस्टम खराब होने लगता है तब रिकॉग्नाइज होता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस है. तो इसकी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया. रिमेंबर दिस, हेपेटाइटिस सी वायरस अल्टर्ड हाफ टर्न राइस. नाउ रिलेटेड टू हेपेटाइटिस सी वायरस एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, हालांकि ये एसएससी बैंकिंग को कम सपोर्ट करता है. जनरली यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन कर देता है, उनको फैक्चुअल ओरिएंटेड ज्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब किसको अवार्ड दिया गया ये वो लोग नहीं पूछेंगे. लेकिन हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज में रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. तो मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिया गया. ठीक है, what will be answer? Discovered the hepatitis C virus have won 2020 Nobel Prize in medicine. Consider following statement. Hepatitis C virus mostly affect liver functioning. मैंने already explain कर दिया है. It may also spread through unsafe sexual practices. अभी ये explain नहीं किया है कि कैसे ये spread होता है from one person to another person. For the first time in the history, hepatitis C virus can now be cured. कुछ लोगों, ओह माय गॉड, मतलब एजे, आदर, श्रेया, चंद्रका, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आंसर विल बी सी. देखो, पहला और तीसरा स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, अब इसके स्प्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि कैसे स्प्रेड होता है. ठीक, स्प्रेड कोई भी ब्लड कॉन्टेक्ट इन एनी वे, किसी भी पर्सन का इंजेक्शन के थ्रू, मतलब कोई इन्फेक्टेड नीडल है,
कोई हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, सर्जरी हुआ है किसी मेडिकल टूल से, ठीक है, कोई भी मेडिकल टूल से ब्लड कॉन्टेक्ट में आया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसफर हो सकता है बहुत इजीली, ठीक, ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ब्लड कॉन्टेक्ट में आ सकता है, मे बी पॉसिबल, ठीक है, चांसेस थोड़ा कम रहते हैं बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो आंसर विल बी हेयर डी, ओके। किसी का कोई कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एजी, राखी, चंद्रका, श्रेया, और इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है, स्पेशली बैंकिंग और एसएससी के लिए, हालांकि आप अदर पीसीएस वगैरह में भी इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नाउ फिजिक्स के फील्ड में रोजर पेनरोज, ठीक है, इंग्लिश फिजिसिस्ट, स्पेशली ये मैथमेटिशियन ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फिजिसिस्ट, ओके, ये रूबर्स प्रिडिक्शन ऑफ ब्लैक होल, प्रिडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, इन्होंने मतलब एक ब्लैक होल एग्जिस्ट होने का रूबर्स प्रिडिक्शन दिया है, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही ठहराया है, ठीक है, स्पेशली इन प्रिडिक्शंस ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल पर हम बात करेंगे, इनको रोजर पेनरोज को इसी फील्ड में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है, इन्होंने दो लोगों के साथ और शेयर किया है, अब कौन कौन से वो लोग हैं, पहला यहां पर मेंशन है, हु बिकेम फोर्थ वूमैन, ठीक है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में जो फोर्थ वूमैन बनी है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन है वो, विशाल ए, एनीबडी एल्स, आदर्श ए, आयुषी ए, एजे ए, सभी का, स्मिता, शिवा, राखी, यशिका, ये सारे लोग क्यों मतलब आंसर वगैरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भाई, गलत जवाब दो या सही जवाब दो, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी क्वेश्चंस में ना करो, कुछ क्वेश्चंस में करो, सो एंड्रिया गेज, ओके, इनको जो है ये फोर्थ वूमेन बन गई है फिजिक्स के फील्ड में, जिनको अवार्ड दिया गया है स्पेशली इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, द ईयर व्हेन मोस्ट वूमेन वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन सिंगल ईयर, इस ईयर में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है 2020, नो, श्रेया ए, नो, इट इज 2009 में सबसे ज्यादा वुमेन, फाइव वुमेन को नोबेल प्राइज दिया गया, ओके, कंसीडर दिस क्वेश्चन, मैरी क्यूरी, डिफरेंट नोबेल प्राइजेस किस फील्ड में मिला, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नाउ कंसीडर दिस रिलेटेड टू मैरी क्यूरी, वो क्वेश्चन लास्ट ईयर में मतलब पिछले पेपर्स में पूछा गया है, नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन एज वेल, नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहां पर, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, फ्रेंच फिजिसिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट भी थी, केमिस्ट भी थी, पायनियर रिसर्च इन रेडियो एक्टिविटी, सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वुमेन, सही स्टेटमेंट है, ओके, सी वाज फर्स्ट पर्सन ओनली वुमेन टू विन नोबेल प्राइज ट्वाइस, सही है, ये देखो 2020 से रिलेटेड है, ठीक है, एंड्रिया गेज से रिलेटेड है, सी डिस्कवर सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ आवर ओन गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा,
कि सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है. ऑब्जर्व किया है इन्होंने विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और इनके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला है. ये 2020 से रिलेटेड. देखो टाइम की कमी है, हम मैरी क्यूरी, प्यूरे क्यूरी या इनकी सिस्टर्स को ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी फैमिली है जिसमें हर कैंडिडेट को नोबेल प्राइज दिया गया है. मैडम मैरी क्यूरी, प्यूरे क्यूरी, इनकी बेटी, दोनों बेटियों को नोबेल प्राइज दिया गया है. ठीक है, जूलियट क्यूरी, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है. ईव क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज पीस फील्ड में मिला है. नाउ फिजिक्स के फील्ड में, एक तो हमने रोजर पेनरोज को देखा कि उनको ब्लैक होल स्पेशली रूबर्स प्रेडिक्शन इन द विथ रिलीवेंट टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. रीनहार्ड गेंजेल जर्मनी और एंड्रिया गेज अमेरिकन साइंटिस्ट हैं. ठीक है, फिजिक्स के फील्ड में इनको डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, अवर ओन गैलेक्सी के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया. सो कुछ भी आप इस तरह से, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिजाइन किया था मेडिसिन के फील्ड में, आप इसमें भी डिजाइन कर सकते हैं. जैसे एंड्रिया, आप रेनॉल्ड पेन कर सकते हैं या जेल पेन कर सकते हैं. ओके, एंड्रिया जेल पेन, तो तीनों नाम एक साथ में एसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है, रेनॉल्ड से रीनहार्ड आप एसो एसोसिएट कर सकते हैं. पेनरोज मतलब पेन, उससे एसोसिएट कर सकते हैं. तो इस तरह से अपना ओन फॉर्मेट आप जो है बना सकते हैं. नाउ व्हाट इज ब्लैक होल, जल्दी से व्हाट इज ब्लैक होल, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, कोई आइडिया आपको? यूज योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को यूज करो. किसी को कोई आइडिया अबाउट द ब्लैक होल? अभी हम लास्ट इंसिडेंट को अगर एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, पिछली इंसिडेंट को एक्सप्लोर करें. ऑन 10th अप्रैल 2019 फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एक ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया गया. ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया गया. ओके, सो फर्स्ट टाइम इट वॉज अपियर्ड. नाउ ब्लैक होल होता क्या है, इसकी इमेज को कैप्चर करना क्यों टफ था. ब्लैक होल कृष्ण क्षेत्र, ठीक है, इट इज यू कैन कंसिडर. यस यस सर, ब्लैक स्ट्रॉन्गली की अगर कोई भी सब्सटेंस वहां पे चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता. यस पुनीता, यू आर राइट. देखो बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल, एक डेड स्टार को यू कैन कंसीडर. ठीक है, कोई भी ऐसा स्टार जो मोर देन 2.5 और 3 टाइम्स मास ऑफ सन, मास एक्यूमुलेट कर लेता है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ह्यूज एक्सीलरेशन ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई एक्सीलरेशन होता है. ठीक, ऐसे ब्लैक मैटर को हम ब्लैक होल कहते हैं. ये ब्लैक होल इवेंट होरिजन, इसकी सराउंडिंग बाउंड्री होती है. कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट होरिजन के अंडर में अगर आता है तो इमीडिएटली ये ब्लैक होल का पार्ट बन जाता है. ठीक है, सो इमेज कैप्चर करने के लिए एटलीस्ट लाइट चाहिए. लाइट भी जब इस ब्लैक होल पर डाली जाती है तो उसको भी ये सक कर लेता है. तो डार्क में, मानो नाइट में, आप किसी का पिक कैसे ले सकते हो? जब लाइट होगी तभी तो किसी का पिक्चर आएगा. ओके, सो अगर सारी लाइट रेज ये अपने में कैप्चर कर ले, मतलब सक कर लेता है, तो इमेज कैप्चर करना बहुत टिपिकल टास्क था. वर्ल्ड के बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज के कंबाइंड एफर्ट से, कई सालों के कंबाइंड एफर्ट से इसकी इमेज को कैप्चर किया गया. ठीक है, नाउ कम्स टू केमिस्ट्री. क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, बताइए क्रिस्पर केस 9
ये ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेट हो चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और फ्यूचर में शायद एसएससी या बैंकिंग में भी आ सकता है, इनफिल्ट्रेट हो सकता है। किस पर केस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़ा फास्ट करेंगे। किस पर केस 9 मतलब जीन को अल्टर किया जा सकता है, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज होती हैं, उन जेनेटिक डिजीज में जो भी जीन का डिजीज्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट है, ठीक है, जहां भी कोई जीन का इफेक्टेड पोर्शन है उसको रिप्लेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी। इसी फील्ड में इमैनुअल चारपेंटेन और जेनिफर ए डोंडा, इनको नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, दे डिस्कवर्ड मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, जीनोम को एडिट किया है, मतलब इसके मेथड्स को उन्होंने डेवलप किया। सो आप ये एसोसिएट कर सकते हो कि जेनिफर लोपेस, वेरी पॉपुलर अमेरिकन एक्टर, सिंगर, डांसर, ओके, बिजनेसमैन, फैशन डिजाइनर, सो जेनिफर से आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसका वेरी पॉपुलर सॉन्ग गेट ऑन द फ्लोर। ओके, सो जेनिफर, फोर पेंटिंग ऑफ जेनिफर, ऐसी चार पेंटिंग, जेनिफर्स फोर पेंटिंग, चार पेंटिंग ऑफ डीएनए, रिसीव नोबेल प्राइज। ऐसे करके आप एक एसोसिएशन फॉर्मेट कर सकते हो, तो जेनिफर चार पेंटिंग, फोर पेंटिंग, जेनिफर ने चार पेंटिंग को बनाया और उसकी चार पेंटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए की चार पेंटिंग को बनाया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस तरह से आप मतलब एसोसिएट कर सकते हो, जेनिफर्स फोर पेंटिंग ऑफ डीएनए रिसीव नोबेल प्राइज। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, लिटरेचर 2016 में, मतलब 2017 में ये पूछा गया है, 2016 का नोबेल प्राइज, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये बस ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि रिलीवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ 2020 पर फोकस करो, 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है, आंसर विल बी लुइस ग्लक, ये अमेरिकन लिटरेचर हैं, ठीक है, पोइटर हैं, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ अस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, ये ज्यादातर इंडिविजुअल स्टोरी पर अपनी पोइम्स वगैरह लिखती हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड यूएसए में बुक नेशनल बुक अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। टाइम की थोड़ी सी कमी है, नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन विद रिलेटेड टू लुइस ग्लक, अदरवाइज मैं इनकी स्टोरी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला था बट आई कैन नॉट डू दैट। Which book of Louis Gluck was published in 2006 and was a National Book Award finalist for poetry, USA? Answer, Vishal, yes, AJ, others. All right, it is Averno. Consider this, Nobel Peace Prize 2014 has been awarded to, ये 2015 में पूछा गया था, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ कंसीडर ऑन दिस, हु हैज वॉन नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2020? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्पेशली इसका टारगेट है टू कम्बैट हंगर एंड टू कंट्रीब्यूट बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट रीजन में, कहीं भी रिफ्यूजीज के लिए, कहीं भी सिविल वार या कोई किसी भी टाइप का वार, अर्थक्वेक, कोई नेचुरल कैलेमिटीज अकर हुई है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को एटलीस्ट हंगर से उसे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। सो ये इन्होंने मतलब पीस प्राइज अचीव किया इन 2020 में। नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, जस्ट टेल मी in which year it was established? 1961, others, all right, good.
वेज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहां पर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, नहीं आदर्श यूएसए नहीं है, रोम इटली में है। नाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज कमिटेड टू एंड हंगर अचीव्ड फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय व्हिच ईयर? ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ऑब्जेक्ट टारगेट बनाया है बाय टू एंड हंगर, किसी भी तरह की भुखमरी को एंड करना, बाय व्हिच ईयर, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करना। यस आदर्श गुड यू आर राइट 2030। नाउ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2020 रिसीव्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? किस काम के लिए मिला है? फॉर इंप्रूवमेंट इन एक्शन थ्योरी, ठीक है, पॉल आल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये दोनों अमेरिका के हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्शन थ्योरी, एक्शन थ्योरी में इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, उसके लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। नाउ व्हाट इज एक्शन थ्योरी? एक्शन थ्योरी होती क्या है? पब्लिक बिडिंग होती है, किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 5G स्पेक्ट्रम को सेल करना है, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो ऑल दीज फील्ड, ऑल सच फील्ड टैकल्ड विद द एक्शन थ्योरी। ये एक इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है, एक्शन थ्योरी काफी बड़ा फील्ड है। किस तरह से पब्लिक बिडिंग हो, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे सोसाइटी को अचीव हो, ठीक, वे इन इंप्रूविंग ऑक्शन, कैसे स्पेक्ट्रम को सेल किया जाए। जैसे मानो फ्रूट्स मार्केट में बोली लगती है, ठीक है, और जिसको लेना होता है वो अपना हैंड रेज कर देता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ऐसे ही थोड़ा सा एक हायर मॉडिफाइड वर्जन में ऑक्शन होता है, पब्लिक बिडिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की या किसी स्पेक्ट्रम, किसी टेक्नोलॉजी या किसी अदर सेक्टर की। ओके, नाउ कंसीडर दिस, जेनिफर ए डोडना हैज गॉट नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? जेनिफर से आप रिलेट करो, जेनिफर लोपेज, ओके, मैंने बताया था फोर पेंटिंग ऑफ डीएनए, सो आपको याद आ जाएगा डेफिनेटली, डीएनए रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आंसर इज केमिस्ट्री। Now, who of the following has got Nobel Prize in the field of economic sciences? अभी किया है हमने, याद कर सकते हो, विल्सन, मिलीग्राम, जस्ट लाइक दैट, ऐसे करके कुछ भी, पॉल आर मिलग्रोम। तो यहां पर हमारा सेशन एंड होता है। अभी तक किसी का कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट टाइम हम रिसेंट करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो भी, जैसे पीएम वगैरह इलेक्ट हुए, या रिसेंट इंसिडेंट जो भी डे टू डे, कुछ स्कीम्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली वी विल फोकस ओवर दिस अक्टूबर मंथ्स, ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेप्टेम्बर मंथ्स। आदर्श आईयूसी वीएस एजे, आदर्श कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आदर्श पीडीएफ के लिए लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीडीएफ वैसे मैं मैम से, तनु मैम से बोलूंगा कि वो आपको जल्दी ही डिलीवर कर देंगी, ओके, मैंने उनको सेंड कर दिया है, और उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि आपके पास भी शायद ऑप्शन रहता है, आप भी कहीं से डाउनलोड कर सकते हो इसे प्लेटफॉर्म पर आकर। एनी अदर प्रॉब्लम? इससे ज्यादा आपको नोबेल प्राइज और इससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे अलग अगर क्वेश्चन आता है तो रेयर पॉसिबिलिटी होगी, 1-2% चांसेस होंगे, ओके,
और बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है मेमोरी में जो बहुत सारा डाटा अनवांटेड डाटा एक्यूमुलेट करें. सो फोकस ऑन दीज. आई थिंक 2020 और रिलेटेड नोबेल प्राइज से ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. ऑलराइट, एनीथिंग, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम समझने में, कहीं कोई दिक्कत याद करने में, या और कोई प्रॉब्लम? ओके, सो थैंक्स एवरीबॉडी. हैव अ नाइस डे.